है। लोमड़ी और कौवा। बहुत समय पहले की बात है, जंगल में सूखा पड़ गया था। सभी जानवर अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक लोमड़ी भी भोजन की तलाश में जंगल में भटक रही थी। लोमड़ी सोच रही थी कि लगता है आज तो भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी एक पेड़ के पास से गुजरते हुए उसकी नजर ऊंची डाल पर बैठे कौवे पर पड़ी। वह वहीं रुक गई। ऐसा नहीं था कि लोमड़ी ने पहले कौवा नहीं देखा था, लेकिन जिस चीज ने उस लोमड़ी का ध्यान आकर्षित किया था वह उस कौवे की चोंच में दबा हुआ रोटी का टुकड़ा था। अब लोमड़ी ने सोचा, अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये रोटी अब मेरी है। चालाक लोमड़ी ने मन ही मन सोचा और पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। फिर ऊपर सिर उठाकर मीठी आवाज में कौवे से बोली, कौवा भाई शुभ प्रभात मेरे सुंदर दोस्त। लोमड़ी की आवाज सुनकर कौवे ने अपना सिर नीचे झुकाया और लोमड़ी को देखा, लेकिन अपनी चोंच उसने कसकर बंद रखी और लोमड़ी के अभिवादन का कोई उत्तर नहीं दिया। तुम कितने सुंदर हो दोस्त, लोमड़ी ने अपनी बोली में पूरी मिठास छोड़ दी। देखो तुम्हारे पंख कैसे चमक रहे हैं, तुम जैसा सुंदर पक्षी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विश्व के सबसे सुंदर पक्षी हो, मेरे ख्याल से तुम तो पक्षियों के राजा हो। कौवे ने अपनी इतनी प्रशंसा आज तक नहीं सुनी थी। वह बहुत खुश हुआ और गर्व से फूला नहीं समाया, लेकिन उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। अब इधर लोमड़ी प्रयास करती रही, दोस्त मैं सोच रही हूँ कि जो पक्षी इतना सुंदर है उसकी आवाज़ कितनी मीठी होगी, क्या तुम मेरे लिए एक गीत गुनगुना सकते हो कौवा भाई। अब लोमड़ी के मुंह से अपनी आवाज की प्रशंसा सुनकर कौवे से रहा न गया और कौवा गाना गाने के लिए मचल उठा। लेकिन जैसे ही कौवा ने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच में दबा रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। नीचे मुंह खोले खड़ी लोमड़ी इसी फिराक में थी। उसने रोटी झपट ली और चलती बनी और कौवा से बोली, अलविदा दोस्त, फिर मिलेंगे। कहानी से सीख, चापलूसों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऐसी कहानियां लाते रहते हैं, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा।